झूठ नेहा मिश्रे में है, लेकिन फिर भी हर पल हमें भगदाद की फिक्र सता रही है। हाँ लक्षणी, रिश्ता ही ऐसा है, माँ और मुल्क फासले पर होकर भी दूर नहीं होते। ऊपर वाला हमारा साथ दे ताकि हम जल्द से जल्द आतिश आफ्ताब लेकर बगदाद पहुंच जाए अपने लोगों की मदद करने। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। खाला है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा मतलब है कि आपने तकलीफ क्यों की? मुझे बोल देती मैं आ जाता। आप ही आप ये दरवाजा क्यों बंद कर रही हैं? कर दिया। कुछ बातें बंद दरवाजे के पीछे की जाती है। लेकिन मैं उस तरह की बातें करता ही नहीं। हम सिखा देंगे। उफ ये जुल्फे। खाला की बच्ची शिकायती बिल्ली चुपचाप यहाँ पे पड़ी रहे, समझी? ये तन्हाई कुछ कह रही है, सुनिए ना। तन्हाई तन्हाई म्याऊं म्याऊं कह रही है। और हमारी धड़कने क्या कह रही है? तेरी धड़कनों की तो ऐसी की तैसी। क्या हुआ? अब पांव में मोच आ गई। मोच पांव में आई है तो सर क्यों पकड़ रखा है? वो आप मेरे दिन नजदीक आई ना तो खुशी की मारे चक्कर आ रहा है। खाला की बच्ची जा यहां से। कितनी फिक्र है आपको खाला की, कितने अच्छे हैं आप। आपकी जो बिल्ली है मतलब खाला जी, बहुत डरती है।
अब क्या करें, कोई खालू जो नहीं है। अब हर किसी की किस्मत हमारी तरह तो नहीं होती। इसकी सुई तो एक ही जगह अटकी हुई है। हमने निकाह की सारी तैयारियां करवा ली हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। खाला का निकाह हो रहा है, खालू मिल गए। खाला का नहीं, आपका और हमारा। हमारे अब्बू का ख्वाब था कि हमारे निकाह का जश्न कई दिनों तक चले, इसलिए कल मेहंदी, फिर मंगनी, परसों मौसिकी की महफिल और अगले दिन आपका और हमारा निकाह। जी, मेहंदी, मंगनी, इस दया की बच्ची की तो ऐसी की तैसी। क्या बात है, बेटी की तुम, ये फिर शुरू हो गई। दिल कर रहा है इसको टांग अड़ा के गिरा दूं। कल आपके पहनने के लिए हमने एक खास लिबास तैयार करवाया है। शुक्रिया। साहब का निकाह तय हो गया। अब बची शहजादी। इतने सालों में किस्मत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकी। शहजादी क्या बिगाड़ लेंगी। वैसे हमें इतने सालों से आदत सी हो गई है शहजादी का ख्याल रखने की, उन पर ध्यान रखने की। अब आगे चल के हम देखेंगे अली साहब की बजेगी निकाह की शहनाई और हम आतिश आफ्ताब को हासिल करके रवाना हो जाएंगे राज कायनात के तीसरे दरवाजे को खोलने। बेहतरीन। सुल्ताना आइए। पसंद आया आपको? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो बहुत पसंद आया। हम देखना चाहते हैं हमारे होने वाले शौहर इसमें कैसे दिखेंगे। बेशक, उन्हें बुलाइए। मजाक करते हैं तो सीधा दिल पे तीर लगता है। अब ले, मैं पहनता हूँ।
अरे मैं पहन लूंगा। अरे आप तकलीफ मत भाई लाई। वैसे आपने खाला को क्यों भेज दिया? क्योंकि ऐसे काम बुजुर्गों के सामने नहीं होते। कैसे काम? सुल्ताना मैं बहुत सीधा साधा और शरीफ खानदान से हूँ। निकाह तक का इंतजार कर लीजिए। आज रुक रहे हैं, कल नहीं रुकेंगे, क्योंकि कल हमारे हाथ में आपके नाम की मेहंदी होगी। तैयार है ना? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको ये बताने आए हैं कि जो आप चाहती हैं वो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हमारे होते हुए अली साहब ये बेहुदा लिबास नहीं पहनेंगे। मेहंदी की रस्म में हमारे होने वाले शौहर इस लिबास में और मेहमान अपनी औकात में आएंगे। ये लिबास रुकिए, ये लिबास देखिए सुल्ताना, जिस रफ्तार से आपका ये लिबास तार तार हो रहा है ना, हमें तो नहीं लगता था कि बच पाएगा। तो फिर आपके जनाब अली क्या पहनेंगे? कुछ नहीं पहनेंगे। मतलब शर्म लिहाज एक तरफ, कल आप इन्हें ऐसे। सुल्ताना आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या लगती है आप इनकी? हम बता दे इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है सुल्ताना, आप हम इनकी सबसे अच्छी दोस्त है। बस बस। और हम इनकी होने वाली बेगम, और कल ये इसी लिबास में आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। होगा होगा, जरूर होगा। ये आँखें, हम इन आँखों में सुरमा लगाएंगी। ये बहुत अच्छा सुरमा लगाती है, पर मेरी सुल्ताना को सुरमा की जरूरत है ही नहीं, उनकी आँखें पहले से ही सुरमई है। पहले फैसला करो। क्या आप हमारे पसंद का लिबास पहनेंगे या नहीं? ये कहाँ फंस गया? जवाब दीजिए। ये लिबास मेरी सुल्ताना ने मेरे लिए पसंद किया, तो कल मैं यही लिबास पहनूंगा। पर ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तो इन्हें मेरी पसंद नापसंद अच्छे से पता है, तो जश्न के बाकी के दिनों के लिए लिबास चुनने में ये आपकी मदद करेंगी। हम मदद करेंगी करेंगी जरूर करेंगी। अब आप दोनों खुश हैं? सुल्ताना आप बहुत थक गई हैं, चाहिए थोड़ा आराम कर लीजिए। कल सबकी नजर आप पे ही होगी। ठीक कह रहे हैं आप, मेहंदी पर मिलते हैं। जी हो गई। कहीं
काले चोर, तुम्हारे नाम की मेहंदी सिर्फ हमारे हाथों में लगेगी, समझे? तो अगर यहाँ मैं कुछ दिन और रहा ना, तो मुझे मेरे बालों पर मेहंदी लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। या अल्लाह, कल मेरी नकचड़ी का दिमाग ठंडा रखिएगा, ताकि हम जल्द से जल्द आदिश आफ्ताब को ढूंढकर यहां से निकल जाएं। सकीना, तुम्हारे लिए अपने हाथों से कहवा बना कर लाया हूं। ओ सकीना, ओहो, लगता है आपको बहुत सर्दी लग रही है, एक और कंबल की जरूरत है, ये लीजिए। कसम सोने की अशर्फियों की, आसमा और सकीना प्यारी और नाजनीन भारी, और जिस इंसान की शक्ल में गोबर का सच सामने आ ही गया। अच्छा किया कि मैंने जानबूझकर नाजनीन को घर के अंदर नहीं आने दिया, सर्दी के मारे वो इतनी जम चुकी है कि उसका हिलना बंद हो चुका है, जल्दी ही सांस लेना भी बंद हो जाएगा, बहुत सर्दी है। असम सोने की अशर्फियों की, मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं तो वैसे नाजनीन वजीर आला तक पहुंच के उन्हें जुनैद का सच बताएगी, और फिर इस सूखे हुए अंगूर के छिलके से पतले शौहर को ठीक करेगी। क्या हो रहा होगा मिस्र में? भाई और शहजादी को वो आतिश आफ्ताब मिला होगा, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं होगी? मैं बकरी, तू मेरा चारा जी, अब मेरा मतलब है सारा जी, आइए आइए तशरीफ रखिए। कितना लजीज है ये। चीनू आप खाइए ना, मैं चलती हूँ। ठीक है। क्या? मेरा मतलब है, माफ कीजिएगा, वो खाते खाते मेरा दिमाग भटक गया था, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप भाई इतना लजीज मिर्ची का हलवा साथ लेके। वैसे जीनू, ये हलवा मैंने नहीं, अंगूठी छाप ने बनाया है। ये अंगूठी छाप ने बनाया? जी, मुझे लगा कि आप बनाएंगी मेरे लिए। मैं मजाक कर रही थी, वो हलवा मैंने ही बनाया। आपने बनाया? मैं कितना बड़ा बुद्धू, कितना लजीज हलवा है। चीनू, मैं जानती हूँ कि आप इस बर्फीले तूफान को लेकर कितने परेशान हैं, पर आपको नहीं लगता हमें ये सोचकर खुश होना चाहिए कि सब अपने अपने घर के अंदर हैं, महफूज हैं, है ना? महफूज तो हैं, लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो इनका राशन पानी खत्म होगा और बाहर निकलेंगे, पर ना जाने कब ये बर्फीला तूफान थमेगा। मैं तो बस ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा हूँ कि भाई और शहजादी आतिश आफ्ताब लेके जल्द से जल्द बगदाद वापस आ जाए। चीनू, उनका इरादा नेक है और दिल साफ, वो जरूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। सबके जागने से पहले हम आतिश आफ्ताब को ढूंढकर यहां से निकल जाते हैं।
इतनी जल्दी उठ गए? आप तो हमें ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप हमें बचपन से जानते हो। हम सुबह में जल्दी उठते हैं। खैर, आप जानते हैं निकाह का जश्न 3 रोज तक चलेगा। आज मेहंदी की रस्म है। देखिए मामूजान, हम मामूजान, देखिए कोई जवान बच्चा हमें मामूजान बोले तो अच्छा लगता है। आपकी हमारी जवानी बीते तो 20 साल हो गए। हम उम्र जो है जानते हैं मिस्र की असली शान आपको निकाह के रोज देखने को मिलेगी, जब सुल्ताना और सुल्तान की खैरियत की दुआ करने आतिशे आफताब निकाला जाएगा। आतिशे आफताब निकाह में आतिशे आफताब निकाला जाएगा।